तो हेलो दोस्तों, आज आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग करने वाले हैं मछलियों के ऊपर डिस्कस। तो आप देख सकते हैं ये पौधा कौन सा है, और आपको बताना है मुझे ये कमेंट में ये पौधा कौन सा है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी मछलियों की तरफ, और मैं आपको दिखाऊंगा हमारे पास कितनी मछलियाँ हैं। चलिए चलते हैं मछलियों की तरफ। तो आप देख सकते हैं इधर आप ये डरबे पड़े हुए हैं, तो इसमें हमारी मछलियाँ रहती है, और आपको मैं एक एक करके दिखाऊंगा। पहले इसकी बारी दिखाओ, आप देख सकते हैं, देखो कितनी मछलियाँ, चार मछलियाँ हैं। और आपको बताना है कमेंट में कि कौन सी मछली है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत। आपको और पास लेकर दिखाता हूँ मैं, देखो कितनी खूबसूरत। और ये देख सकते हैं, ये मछली है ना, जो ये मछली, ये वाली, ये अभी बच्चे देने वाली है, और आज मैं आपको इनके बच्चे भी दिखाऊंगा, पहले जो दे चुके हैं वो देख सकते हैं आप। देखो ये जो मछली है ना, ये मछली वो बच्चे दो बार दे चुकी है। एक बार इसके बच्चे सारे मर गए थे, और ये दूसरी बार बच्चे थी वो आपको मैं दिखाऊंगा अभी, देख सकते हैं। चलिए हमारे दूसरे डरबे की तरफ जाते हैं, पहले आपको बच्चे दिखा देता हूँ मैं। इसमें देखो इसके बच्चे, हम उसके साथ नहीं रख सकते इसको, क्योंकि वो खा जाती है वो बच्चे। आप देख सकते हैं इधर, आपको शायद दिख रहा होगा 10 बच्चे हैं टोटल। और हमारी दूसरी मच्छी की तरफ, इसमें एक खास मच्छी है और बहुत ज़्यादा बड़ी है, हम देख सकते हैं इधर कितनी खूबसूरत है। यह है बेटा फिश, देख सकते हैं आपको मैं पकड़ के दिखाता हूँ, एक मिनट आपको मैं पकड़ के दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत फिश है, जो अभी मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं पूरी पूरी हिले। और ये चली गई अंदर, बहुत ही खूबसूरत है, हम इसको पकड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। कहाँ गई, देख सकते हैं आप, भाग रही है वो। ठीक है, नहीं आ रही हाथ में, बहुत ही खूबसूरत फिश है। वो पानी भी बहुत ठंडा है, इसलिए इसे बंद करके रखना पड़ रहा है, ताकि ठंड से बचे रहे। आपको मैंने तीन चीज़ें बताई, ये हमारी चार फिश, और ये 10, ये बच्चे 10 है, 10 और 4 14, और एक फिश इसमें है 15। आपको मैंने 15 चीज़ें बचाई, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।